आपको आज की टॉप 25 खबरें दिखाते हैं। अमित शाह का इंदौर से कांग्रेस पर हमला, कहा गरीबों के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। पटना में लालू यादव का बयान, बोले बीजेपी का आने वाले चुनाव में सफाया होगा, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में बनेगी रणनीति। कट्टर हिंदूवादी नेता संभाजी भिड़े की गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर फडणवीस, बोले संभाजी का बयान गलत, सरकार एक्शन लेगी। इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली लौटे, दो दिन के दौरे पर मणिपुर में रिलीफ कैंप का किया दौरा, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा सारा मणिपुर जल रहा है और पीएम चुप्पी साधे हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर को लेकर प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज भी हुए शामिल। कश्मीर के कुलगाम से सेना के लापता जवान की कार मिली, कार में खून के निशान दिखाई दिए, छुट्टी लेकर घर आया था जवान, लेह में था तैनात। पुणे से गिरफ्तार आतंकियों की जानकारी पर एटीएस के छापे में एल्यूमिनियम पाइप, बल्ब के टुकड़े और गोलियां बरामद, चाबड़ हाउस पर आतंकी हमले के खतरे के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए जन्मभूमि पथ तैयार, 1,00,000 लोग इस रास्ते से दाखिल होंगे। पीएम मोदी 1 अगस्त को जाएंगे पुणे, मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। मन की बात में पीएम मोदी बोले सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत, बाढ़ बारिश से तबाही का मिलकर किया सामना। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम जुलूस में हिंसा की घटना पर 3 FIR दर्ज, सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मुहर्रम पर राजस्थान के धौलपुर में करबला में ताजिया दफन करने के दौरान हादसा, करंट लगने से 3 युवकों की मौत, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, व्यापारी के रंगदारी मांगने के आरोप में कल लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शख्स ने पत्नी सास ससुर पर चाकू से किया जानलेवा हमला, पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो खुद को किया घायल। यूपी के देवरिया में पीआरडी के जवानों ने की दिव्यांग की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, प्रशासन की जांच जारी, दो जवानों के ड्यूटी से 2 जवानों को हटाया गया। दिल्ली के उद्योग नगर में जूते की फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का नुकसान, आग लगने के कारणों की जांच जारी। ठाणे में सरकारी बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। खड़ी कार में ट्रक ने मारी टक्कर, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की मौत, दिल्ली के रोहतक रोड पर हुई घटना। यमुना नदी में 3 बच्चों के डूबने की आशंका, कई घंटों से सर्च ऑपरेशन जारी। नोएडा में हिंडन नदी का पानी घरों में घुसने से दरारें आई, कुछ की बाउंड्री वॉल गिरी, लोगों ने सरकार से मांगी मदद। शिमला में सेब नालियों में फेंकने को मजबूर किसान, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है माल। शिमला के कोटखाई में नदी का जलस्तर बढ़ा, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी। इसरो ने भरी सफलता की एक और उड़ान, श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स किए गए लॉन्च, महीने भर में दूसरा सफल मिशन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक कार्यक्रम के दौरान विस्फोट, 50 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मांगा इस्तीफा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।